हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे मेकअप ट्यूटोरियल में। ये मेरे रियल क्लाइंट हैं और इनकी स्किन पर ब्लेमिश है और एक्ने फॉर स्किन है। इनके एक्ने भी बहुत हो चुके हैं। सबसे पहले हमने फेस को क्लीन कर लेना है। मैंने ओपल का क्लींजिंग मिल्क लिया है और क्लींजिंग मिल्क लेके हमने फेस को अच्छी तरह से प्रॉपर क्लीन कर लेना है। उसके बाद हमने नेचर कंपनी का हमने टोनर लिया है और टोनर को हमने अप्लाई करके डैप डैप कर दें। और इसके बाद हमारा थर्ड स्टेप आएगा मॉइस्चराइज़र का। हमने स्किन को अच्छी तरह से मॉइस्चराइज़ कर लेना है क्योंकि इनकी स्किन बहुत ही ड्राई है। और हमारे मेकअप की शुरुआत करने से पहले हमने CTM अप्लाई कर लेना है। और मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद मैंने फेस सीरम अप्लाई किया है। फेस सीरम मैंने न्यूट्राफेक्ट का लिया है और इससे क्या होगा कि इनकी स्किन बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज़ हो जाएगी। और इसके बाद हमारा अगला स्टेप होगा प्राइमर का। मैंने मालियो का जेल प्राइमर लिया है और इसे हम थोड़ा सा ही अप्लाई करेंगे। ये हमने पूरे फेस पर और आईज़ पर हमने अच्छी तरह से अप्लाई कर लेना है। इसके बाद हम बनाना पाउडर लेंगे और बनाना पाउडर को हम आईज़ पर अच्छी तरह से अप्लाई कर लेंगे ताकि हमारा जो बेस रेडी होगा वो क्रैक ना हो पाए। इसको हमने मिनिमम क्वांटिटी में आईज पर अप्लाई कर लेना है। इसके बाद मैंने HR कंपनी का आई शेड्स लिया है जो कि ब्लैक और ब्राउन मिक्स करके हमने ये आईब्रोज के ऊपर अच्छी तरह से इसको अप्लाई कर लेना है। और अप्लाई आप ब्रोज की शेड्स को देख के ही लेंगे, ना बहुत ज़्यादा ब्लैक हो और ना बहुत ज़्यादा ब्राउन शेड हो। अभी इसके बाद मैंने ओलिविया की पेन स्टिक ली है जिसका 02 शेड नंबर है और ये वाइट कलर में होती है। इसको हमने आईज़ के ऊपर बिल्कुल प्रॉपर अप्लाई कर लेना है और हमने दोनों आईज़ को प्रॉपर कंसील कर लेना है। कंसील करने से क्या होगा कि जब भी आप कोई भी अपनी शेड्स आईज़ पर अप्लाई करेंगे वो प्रॉपर इन्हेंस हो जाएगी और जो आपके शेड्स होंगे वो प्रॉपर उभर कर बाहर आ जाएंगे। इसीलिए हम सबसे पहले हम आईज़ को कंसील कर लेंगे। आप कंसील कंसीलर से भी कर सकते हो और पेन स्टिक से भी कर सकते हो। अभी कंसील करने के बाद हमने थोड़ी देर इसको ऐसे ही 1-2 मिनट के लिए छोड़ देना है। और इसके बाद मैंने 303 क्राइलोन का ऑरेंज शेड लिया है जो कि ऑरेंज टच में होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इनके ब्लेमिश नज़र आ रहे थे, ये वीडियो में आपको पूरी तरह से नज़र नहीं आ रहे थे पर इनके काफ़ी सारे ब्लेमिश थे, इनको कवर करने पड़े थे। और हमने यहाँ पर 303 अप्लाई करके अच्छी तरह से उसको हमने डैप डैप करके ऑरेंज कलर अप्लाई कर लिया। इसके बाद मैंने ग्रीन कलर लिया है और ग्रीन कलर हमने इसीलिए लिया है क्योंकि इनके एक्ने के निशान और जो पिंपल्स हैं वो भी उभरे हुए थे। और ये मैंने क्रीमी बेस में लिया था। तो इसके साथ ही मैंने एले गर्ल का जो डार्क ग्रीन शेड है वो अप्लाई कर लिया क्योंकि इनके बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक्ने नज़र आ रहे थे जो कि प्रॉपर हाइड नहीं हो पा रहे थे, इसलिए मैंने एले गर्ल का यूज़ किया। अभी इसके बाद फिर से मैंने पेन स्टिक लिया है और साथ में मैंने 0 नंबर का ब्रश ले लिया है जो कि आईज़ के लिए है। आईज़ ब्रश मैंने ले लिया है और इससे मैंने कट क्रीज बना ली है जो कि हमारे क्रीज एरिया पर हम बनाएंगे। इससे क्या होगा कि जब भी आप आई मेकअप करेंगे आपको एक क्रीज लाइन नज़र आ जाएगी और जो आपका आई मेकअप है वो और भी इन्हेंस हो जाएगा। कट क्रीज बनाने के बाद मैंने फिर से दोबारा वही पेन स्टिक यूज़ की है और मैंने पैक का ब्रश लिया है, फ्लैट ब्रश लिया है और हमने इसमें फिलिंग कर लेनी है। हमें इसमें कंसीलर की तरह फिलिंग करनी है। मैंने पहले भी कहा है कि आप पेन स्टिक से कंसील भी कर सकते हैं और आप कोई सा भी कंसील लेकर उससे आईज़ को कंसील कर सकते हैं। मैंने यही ओलिविया का ही पेन स्टिक यूज़ की है। मुझे ये वाइट शेड बहुत ही मुझे अच्छा लगता है क्योंकि इससे इसके ऊपर जो भी हम कलर यूज़ करते हैं वो बहुत ज़्यादा उभर के बाहर आ जाता है। जैसे कि आप देख रहे हो कि नीचे हमने
वाइट शेड और फ्लैट ब्रश के साथ हमने काम किया है। और इसके बाद मैंने ब्यूटी गैजेट का शेड्स पैलेट ली है, जो कि 5 कलर में आती है। ये आपको ऑनलाइन बहुत ही रिजनेबल रेट पर मिल जाएगी। और उसमें से मैंने ब्राउन और हल्का सा मैंने पी शेड अप्लाई किया है, और दोनों को हमने मिक्स कर लेना है और बेस हमारा रेडी कर लेना है। और ये देखिए, जब हम नीचे अच्छी तरह से कंसीलर से कंसील कर लेते हैं तो हमारा जो बेस है वो ऊपर के सामने आ जाता है। आप जो आइज़ का बेस रेडी कर रहे हो वो आप कोई भी लाइट शेड उसमें अप्लाई कर सकते हो। मैंने इसमें बिल्कुल लाइट ब्राउन शेड लिया है और इनकी आइज़ पर मैंने अप्लाई कर लिया है, क्योंकि नीचे आपने प्रॉपर लाइट शेड ही अप्लाई करना होता है। और फिर मैंने हुडा ब्यूटी की पैलेट ली है, और उसमें से मैंने मैरून और जो वाइन शेड होता है मैंने वो वाला शेड पिक किया है, क्योंकि इनकी जो ड्रेस का शेड था वो वाइन और मैरून ऐसे ही मिक्स वाला शेड था, इसलिए मैंने यही शेड लिया है। और मैंने जो आउटर साइड में हमारा जो वी शेप होता है उस पर मैंने ये वाला शेड अप्लाई कर लिया है। इस वीडियो में मैंने आई मेकअप के बारे में प्रॉपर नहीं बताया है, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबी हो रही थी, और आई मेकअप की वीडियो मैं अलग से अपलोड कर दूँगी। इसके बाद मैंने HT फाउंडेशन लिया है, जिसका 02 नंबर शेड है और CVB कंपनी का है, और दूसरा मैंने MAC कंपनी का फाउंडेशन यूज़ किया है और उसका भी मैंने 02 शेड लिया है। और दोनों को मैंने प्रॉपर अच्छी तरह से मैंने प्लेट में हमने मिक्स कर लेना है, जो कि हमारी मेकअप प्लेट होती है उसमें हमने मिक्स कर लेना है, और ब्रश की सहायता से हमने पूरे फेस पर अप्लाई कर लेना है। आप इसे ब्रश से ही अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और नहीं तो आपने ब्यूटी ब्लेंडर लेना है, उसको हल्का सा हमने गीला कर लेना है, और गीला करके हमने उसको डैप डैप करके अच्छी तरह से अप्लाई कर लेना है। इसके बाद मैंने ब्रॉन्ज़र अप्लाई किया है, और ब्रॉन्ज़र को हमने जो हमारी चीक्स बोन होती है उसके बिल्कुल नीचे अप्लाई करना होता है, और ये नीचे से ऊपर हमें लेकर जाना होता है। हमने इसको सर्कल में नहीं घुमाना होता, इसको हमने नीचे से ऊपर लेकर जाना होता है, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो कि जैसे मैं कैसे इसको अप्लाई कर रही हूँ। और ब्रॉन्ज़र अप्लाई करने के बाद इसके जस्ट ऊपर ही मैंने जो हमारा बोन एरिया होता है वहाँ पे मैंने हल्का सा लाइट पीच पिंक यूज़ किया है, और मैंने नोज़ पर शेप देने के लिए मैंने क्रीम शेड, जो क्रीम कंसील है वो मैंने डार्कर शेड में मैंने यूज़ किया है, और नोज़ को हम डार्कर शेड से हम कट करेंगे और प्रॉपर इसका शेप दे देंगे। इसके बाद मैंने शेप देने के बाद मैंने लिक्विड ल्यूमिनस शिमर लिया है, जो कि मालियो कंपनी का है, और ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। इसको हम बहुत ही कम क्वांटिटी में अप्लाई करेंगे, हमने इसको फिंगर के साथ ही अप्लाई करना होता है, और ये हमें चीक बोन पर, नोज़ पर और फोरहेड पर इसको हम इसी एरिया पर अप्लाई करते हैं, क्योंकि ये मेरी क्लाइंट को थोड़ा सा ग्लोसी मेकअप चाहिए था और शाइनी मेकअप चाहिए था, इसलिए मैंने इनके फेस पर ये इल्यूमिनस अप्लाई किया था। अभी इसके बाद हमने बनाना पाउडर ले लेना है, और लास्ट में हमने बनाना पाउडर से हमने फिक्स कर देना है। फिक्सर भी ले सकते हैं और आप बनाना पाउडर भी ले सकते हैं। इसके बाद मैंने लिप्स पर लिप बाम अप्लाई कर दी है, क्योंकि इनके जो लिप्स थे वो बहुत ही ड्राई हो चुके थे, उसके बाद लिप बाम अप्लाई करने के बाद इनके लिप्स बहुत ही सॉफ्ट हो गए थे। और लिप बाम अप्लाई करने के बाद फिर मैंने 03 नंबर की मैंने लिप लाइनर, जो कि एवॉन कंपनी की है, और वो मैंने अप्लाई की है, और इससे मैंने लिप्स की मैंने प्रॉपर शेप दी है ऊपर से और नीचे से। इससे क्या होगा कि आपके लिप्स जो हैं वो अच्छी तरह से रिफाइन हो जाएंगे, और जो आपकी लिपस्टिक है वो बिल्कुल अंदर की तरफ ही रहती है। अभी मैंने लिक्विड अप्लाई किया है, क्योंकि इनकी जो ड्रेस की शेड था
वो थोड़ा सा डार्कर शेड में था और इनको लिप्स पर भी डार्कर शेड ही चाहिए था, और मैंने लास्ट में इसमें लिक्विड अप्लाई कर दी थी। अभी हमारा मेकअप ऑलमोस्ट डन हो चुका है। अभी लास्ट टच में हमने एचडी का लूज पाउडर फिक्सर हमने अप्लाई कर लिया है, इससे हमारा जो मेकअप है फिक्स हो जाएगा। गाइज, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मुझे एक लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए।